अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग ईद के लिए ईद डीपी किस तरह बनाओगे, वो भी पिक्चर के साथ, अपने पिक्चर के साथ ईद डीपी आप लोगों ने किस तरह बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है और सिंपल तरीका है। आप लोगों ने वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना है और स्टेप बाई स्टेप को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग खुद बना सकते हो अपने लिए ईद डीपी। तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट चैनल। मेरे दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बिल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके और ऑल पर सेट करें, ताकि इस तरह जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। मेरे दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ऐप्स डाउनलोड करना है। वो ऐप्स का नाम क्या है, इधर हमने आना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद हमने इधर सर्च करना है उर्दू डिज़ाइनर। ये उर्दू डिज़ाइनर को हमने सर्च करना है। उर्दू डिज़ाइनर को सर्च करने के बाद ये आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको अपने साथ रखा हुआ है। इसको आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। इधर इस पर क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद मेरे दोस्तों, आप लोग के सामने ये इंटरफेस सामने आएगा, आप लोग देख सकते हो। ये इंटरफेस आएगा, न्यू डिज़ाइन ऑनलाइन टेम्पलेट्स माई टेम्पलेट्स कॉन्ट्रैक्टर ट्यूटोरियल माई फेवरेट। आप लोगों ने ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, ये आप लोग देख सकते हो। इस पर आप लोगों ने करना है क्लिक। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कितनी सारी डीपी आ गई, ये आप लोग देख सकते हो। इधर फिर अगर नीचे जाना है तो फिर मोर पे क्लिक करना है, ये आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा डीपी आए। और भी नीचे आना है, जो भी आप लोगों को पसंद आए। आप लोगों ने अगर ईद के लिए बनानी है तो ईद वाले डिज़ाइन को करना है। मेरे दोस्तों, मैं इस डीपी पर करता हूँ क्लिक। ये डीपी जो है, इस डीपी पर मैं करता हूँ क्लिक। इसको हमने करना है डाउनलोड, एडिट करना है डाउनलोड। इसको कर दिया मैंने, डाउनलोड को लगा दिया। अभी थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपना नाम लिखना है और अपनी पिक्चर लगाना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद आप लोगों ने पहले अपना नाम लिखना है, तो इस जगह पर आप लोगों ने करना है क्लिक। ये जगह पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो इसको आप लोगों ने करना है, क्या करना है, इसको आप लोगों ने करना है डिलीट या एडिट करना है। एडिट कर दो इसको। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पहले नंबर ख़त्म किया, उसके बाद ये नाम भी हम लोगों ने एडिट करना है। इधर हमने एडिट करना है। अभी इधर आप लोगों ने फिर अपना नाम लिखना है। अपना नाम उर्दू में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इधर अपना नाम लिखना है, क्या लिखना है, आप लोगों का जो भी नाम है वो लिखना है। मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, अपना नाम मैंने लिखना है। मैं अपना नाम सर्च करता हूँ। इस तरह मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अपना नाम इधर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने ऐड टू पेपर पर सेलेक्ट करना है, ऐड टू पेपर, तो आप लोगों का नाम इधर आ जाएगा। अभी ये मेरा नाम आ गया इधर। अभी इसके बाद आप लोगों ने, आप लोग इसका वो भी चेंज कर सकते, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। इधर से ये आप लोग देख सकते हैं, इधर से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देख, ये सारे फ़ॉन्ट आ गए। आप लोग को जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप लोग लगा सकते हो। जिस तरह ये फ़ॉन्ट मैंने लगा दिया, ये देख सकते हो, मैंने इस फ़ॉन्ट को लगा दिया ये फ़ॉन्ट। तो उसके बाद मेरे दोस्तों, आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो आप लोग को कलर अच्छा लगे वो कलर आप लोग इधर, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये देख चेंज हो गया कलर। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना पिक्चर इधर लगाना है। पिक्चर किस तरह लगाना है, इस पर आप लोगों ने करना है क्लिक। ये पिक्चर पर, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने इधर इस डिलीट पर करना है, डिलीट, इसको डिलीट करना है इधर से। और इधर ऐड न्यू पर क्लिक करना है, ये देख सकते हो, ऐड न्यू। ऐड न्यू पर क्लिक जब करोगे तो फिर आप लोगों ने आना है गैलरी पे, जो आप लोग का पिक्चर होगा गैलरी। गैलरी पर आके आप लोगों ने इधर से अपना पिक्चर सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का पिक्चर हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ये देख सकते हो, ये देखो, ये अभी थोड़ा उल्टा है। इसको हमने दूसरी साइड पे किस तरह करना है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ये प्लस का आइकन आप देख सकते हो, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर से इसको हमने दूसरी साइड पे करना है। ये देखो, ये दूसरी साइड पे हो गया और इधर मैंने इसको सेट कर दिया। ये आप लोग देख सकते हो कि मेरी डीपी हो गई तैयार, डीपी बन गई। तो इसके बाद मैं दोस्तों, आप लोगों ने इसको सेव करके कैसे करना है, इधर से आप लोगों ने सेव करना है। अभी जितने, अब
आप लोग करते हो इस इधर से आप लोगों ने इसको सेव करना है। इधर इसको मैंने कर दिया सेव, ये देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने अपने गैलरी को ओपन करना है, आप लोगों ने चेक करना है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये गैलरी में किधर से हो गए। ये आप लोग देख सकते हो ये बनी हुई है गैलरी, ये भी बन गई है और साथ ही ये भी बन गई है, ये भी बनी हुई है। ये आप लोग देख सकते हो ये दोनों डीपी मैंने बना दी है, ये आप लोग देख सकते हो। मेरे भाई और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना है और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।